हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर क्षितिज गोस्वामी और आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल वेट मंत्रा में। फ्रेंड्स, अब आ चुका है बारिशों का मौसम और बारिशों के मौसम में एक वायरस ज़रूर एक्टिव हो जाता है और वो है पार्वो वायरस। और हम हमारे डॉगी को पार्वो वायरस से कैसे बचाएं, उसको पार्वो वायरस से इन्फेक्ट होने से कैसे बचाएं, उसकी मैं आज आपको कुछ टिप्स देना चाहता हूँ। आइए देखते हैं। फर्स्ट, सबसे पहले अपने पपी का वैक्सीनेशन जरूर करवाएं एक रजिस्टर्ड वेटनरी डॉक्टर से। जो वैक्सीनेशन का जो स्केड्यूल है उसको जरूर जरूर फॉलो करें, वैक्सीनेशन में कोताही ना बरतें। सेकंड, आप कभी भी अपने पपी को जब तक उसका वैक्सीनेशन कोर्स पूरा ना हो जाए घर के बाहर वॉक पर ना ले जाएं, दूसरे पपीज और डॉगी के संपर्क में ना लाएं और साथ में ही उसे गोबर खाने या फिर मिट्टी में खेलने से रोकें। थर्ड, पपी की डीवॉर्मिंग प्रॉपर अच्छे तरीके से करें। कई बार पेट में वर्म्स होने की वजह से, स्ट्रेस में जाने की वजह से भी डॉग पार्वो में चला जाता है। फोर्थ, हमारे पपी को दो चीज़ों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, वो है मल्टीविटामिन और इम्यूनो बूस्टर। आपको इम्यूनो बूस्टर देना है ताकि उसकी इम्यूनिटी बनी रहे, साथ में मल्टीविटामिन देना है ताकि उसकी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो और भी ज़्यादा एनहेंस हो और उसकी एक्टिविटी बढ़ी रहे। फिफ्थ, उसे अच्छा हेल्दी और प्रोटीन रिच डाइट दें और खाना जो है उसको इसी टाइप से दें कि उसे लूज मोशंस होने के चांसेस कम से कम रहे हैं, जिससे वो बॉडी उसकी डिहाइड्रेशन में ना जाए। इन सभी चीज़ों को अगर आप फॉलो करते हैं तो आप अपने पपी को पार्वो से इन्फेक्ट होने से काफ़ी हद तक बचा सकते हैं। और भी कोई जानकारी आपको लेनी हो तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोज़ को लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।